हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अफरा रहीम। सो वेलकम टू द समर स्पेशल वीडियो पार्ट 4। टुडे वी गोना मेक वेदर चार्ट। सो लेट्स। सो फ्रेंड्स, मैंने लिया है यहाँ पे व्हाइट चार्ट पेपर, देन मैंने उसके ऊपर ड्रॉ करा है एक सर्किल, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद मैं उस पर सारे वेदर्स ड्रॉ कर लूँगी। ये मैंने सारे वेदर्स ड्रॉ कर लिए हैं और आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, बिकॉज ये वेदर व्हील है, और आप इसे वेदर व्हील भी कह सकते हैं, वेदर क्लॉक भी कह सकते हैं, और वेदर चार्ट भी कह सकते हैं। फिर मैंने लिया है ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से मैं सारी जो नेम्स लिखे हैं उनको आउटलाइन कर दूँगी। क्लाउडी है, सनी है, विंडी है, और स्नोई है, स्टॉर्मी है, रेनी है, और फिर उसके बाद मैं सारे क्लाउड्स को भी आउटलाइन कर दे रही हूँ, एंड कुछ चीज़ें मैं छोड़ दे रही हूँ जो मैं डायरेक्ट स्केच पेन से करूँगी। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आउटलाइन कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है हमारी आउटलाइनिंग। देन मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने ब्लू स्केच लिया है, ब्लू स्केच से मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ, जो हमारे स्नो बनी है उसको, एंड उसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया है, देन उसकी स्माइली कर दी है ब्लैक पेन से, एंड फिर उसके बाद मैंने उसके साइड बाय साइड में मैंने स्नो बना दी है। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू स्केच पेन, ब्लू स्केच पेन से भी मैंने साइड्स कर दी हैं क्लाउड्स की, और फिर मैंने ग्रे स्केच पेन से करी है स्टॉर्मी क्लाउड जो है उसकी, मैंने ग्रे स्केच पेन से साइड कंप्लीट करी है। फिर उसके बाद ग्रे पेंसिल कलर की हेल्प से मैंने बीच में कलर कर दिया है। फिर यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, एंड उसके बाद मैंने जो रेन ड्रॉप्स हैं हमारे उस पर मैंने ब्लू स्केच पेन की हेल्प से मैंने कर दिए हैं। फिर यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर फिल कर रही हूँ सन में, एंड यहाँ मैं सन को कंप्लीट कर रही हूँ येलो और ऑरेंज स्केच कलर से। तो यहाँ पे मैंने इसे कलर कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे लिखा है पिंक स्केच पेन से टुडेज, एंड डार्क ग्रीन स्केच पेन से वेदर। फिर मैंने यहाँ बीच का कट कर लिया है, एंड यहाँ पे मैंने एक पाइप लिया है और फिर एक एरो मैंने कट कर लिया है जो मैंने पाइप में अटैच कर दिया है, और दोनों को साथ में हम लोग व्हील में अटैच कर देंगे। फिर मैंने व्हील को कट कर लिया है और लिया है एक पीस कार्डबोर्ड का, फिर उसे स्टिक कर दिया है इस तरीके से, एंड फिर मैं उसे कट कर लूँगी, एंड मैंने इसके बीच का भी कट कर लिया है। फिर यहाँ पे मैं इसे स्टिक कर दूँगी, लेकिन ध्यान रहे कि एरो स्टिक मत हो, वरना वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, वो वहीं पे स्टिक हो जाएगा। एंड अब ये यहाँ पे मूव हो रहा है, और हमारा आज का वेदर था क्लाउडी, तो मैंने क्लाउडी पे कर दिया है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय।